आज का मेरा जो टॉपिक है वो है रेफरेंसिंग स्टाइल और फॉर्मेट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज रेफरेंस, व्हाट इज बिब्लियोग्राफी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस इन रिसर्च, एंड हाउ टू राइट रेफरेंसेज इन रिसर्च। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि चूँकि अब फर्स्ट पेपर का टॉपिक है तो हम लोग जानेंगे कि संदर्भ क्या होता है, ग्रंथ सूची क्या होती है, इसका ग्रंथ सूची और संदर्भ की शोध में क्या उपयोगिता है, और कैसे रेफरेंसेस को डिफरेंट स्टाइल्स जो होती है रेफरेंसिंग की उनमें कैसे लिखा जाए। UGC नेट में एक क्वेश्चन करीब इस टॉपिक से आ जाता है, और साथ ही साथ आज का ये जो टॉपिक है वो UGC नेट के साथ साथ उन लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल है जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं या मास्टर्स में हैं या अपना डिजर्टेशन कर रहे हैं। तो इस पूरे लेक्चर के दौरान हम ये सब बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द रेफरेंस, संदर्भ क्या होता है। दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग रेफरेंसेस का प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ऑफिस में और किसी काम को कराने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, तो हम अगर वहाँ पे अपना किसी प्रभावशाली व्यक्ति का रेफरेंस दे देते हैं तो हमारा काम जो है आसानी से पूरा हो जाता है। वो आपके रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप जिस व्यक्ति का रेफरेंस दे रहे हैं वो कितना इम्प्रेसिव है, कितना प्रभावशाली है। इम्प्रेसिव इन द मीन पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सामाजिक तरीके से और पॉलिटिकली। जैसे आप उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जैसे हम आपको किसी को एम्स में एडमिट कराना है और आप प्रॉपर चैनल से जाएंगे, आपका जो पेशेंट है वो एडमिट नहीं होगा, लेकिन आप किसी इम्प्रेसिव रेफरेंस से जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी सांसद के रेफरेंस से गए या आप किसी कैबिनेट मिनिस्टर के रेफरेंस से गए तो आपका जो पेशेंट है वो एडमिट हो जाएगा। दूसरा, जब हम किसी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट 2 या 3 रेफरेंसेस पूछता है कि जो कोई ऐसे 2 टीचर्स या प्रोफेसर्स के नाम बताइए जो आपके एकेडमिक पर से फैमिलियर हों। और सबसे ज़्यादा रेफरेंस हम दैनिक जीवन में जहाँ प्रयोग करते हैं, आप किसी को कुछ भी बात बता रहे हैं, किसी ग्रुप में है या किसी क्लास में है या किसी डिस्कशन में है, तो आपने कोई बात कही तो अगला व्यक्ति तुरंत आपसे रेफरेंस पूछेगा, आपने कहाँ से पढ़ा, आपने आपको ये बात कैसे पता चली। तो आपने किसी से कहा कि NIRF रैंकिंग जो 2020 में है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, उसका पहली रैंकिंग है, तो अगले आदमी तुरंत पूछेगा आपने कहाँ से पढ़ा, आपने बता दिया कि उपकार की बुक से पढ़ा है, पूजा की बुक से पढ़ा है, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने कह दिया कि ल्यूसेंट की बुक से पढ़ा है, NCERT की बुक से पढ़ा है, तो उसका इंप्रेशन अलग होगा। तो दैनिक जीवन में इस तरीके से हम लोग रेफरेंसेस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेफरेंस क्या होता है। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच यू हैव ऑब्टेन्ड योर इन्फॉर्मेशन। रेफरेंसिंग इज ए वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट यू हैव डन दैट रीडिंग। कहें कि रिसर्च के दौरान हम कोई किसी का थॉट है, किसी का आइडिया है या कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से लेते हैं रिसर्च के दौरान, रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए हमने कहाँ से ली है उसके लिए हम लोग रेफरेंस का प्रयोग करते हैं, संदर्भ का प्रयोग करते हैं। एंड व्हेन यू समराइज रिफर टू अ कोट फ्रॉम एन ऑथर्स वर्क यू नीड टू गिव देम क्रेडिट, यू हैव टू प्रोवाइड ए रेफरेंस। अगर आप किसी राइटर का कोट कोटेशन ले रहे हैं या किसी का कोई आइडिया ले रहे हैं तो उसको क्रेडिट देने के लिए आपको रेफरेंस का प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम लोग रेफरेंस का प्रयोग नहीं करेंगे तो दैट विल बी प्लैगराइज्ड, वो प्लैगरिज्म माना जाएगा। अगर इसको हम रेफरेंस को अगर संक्षेप में कहें तो रेफरेंस इंक्लूड सोर्सेज दैट हैव बीन डायरेक्टली साइटेड इन योर रिसर्च पेपर। रेफरेंस को हम लोग डायरेक्टली अपने रिसर्च पेपर में साइट करते हैं, संदर्भित करते हैं। फॉर ईच सोर्स यू विल हैव एटलीस्ट 1 इन टेक्स्ट साइटेशन इन बॉडी ऑफ योर रिसर्च पेपर।
आगे हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट साइटेशन क्या होता है। तो संदर्भ को अगर हम लोग संक्षेप में कहें तो संदर्भ से तात्पर्य उन सभी स्रोतों से कह सकते हैं जिन्हें हमने अपने शोध कार्य में डायरेक्टली साइट किया है, संदर्भित किया है। व्हाई टू रेफरेंस, रेफरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, रेफरेंस क्यों है जरूरी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि रेफरेंस की हम लोग जब रिसर्च करते हैं या थीसिस लिख रहे होते हैं तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और डेटा एनालिसिस पार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन रिसर्च में बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना सारे चैप्टर्स का। एक बार प्रोफेसर यूसी वसिस सर क्लास ले रहे थे, मैं उनका शिष्य रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि जितने भी इमिनेंट प्रोफेसर्स हैं इंडिया में, चाहे वो यूसी वसिस रहे हों चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स रहे हों, तो सबसे पहले जब थीसिस इवेल्युएट होने के लिए उनके पास आती है तो सबसे पहले टॉपिक देखने के बाद वो कोई कुछ ना उसका इंडेक्स देखते हैं, ना चैप्टर फर्स्ट देखते हैं, ना चैप्टर सेकेंड, ना फाइंडिंग, सबसे पहले वो रेफरेंस पार्ट को खोलते हैं और रेफरेंस पार्ट को खोलने के बाद वो देखते हैं कि इस कैंडिडेट ने, इस रिसर्चर ने रेफरेंसेस को कैसे लिखा है। और अगर वो बता रहे थे कि अगर बहुत बहुत मेजर मिस्टेक्स मिलती है, पता ही नहीं चलता कि कौन सी स्टाइल में रेफरेंस लिखे गए हैं, और कहते हैं कि अगर आपने रेफरेंस लिखना 5 साल में सही से नहीं सीख पाया तो आपने क्या PhD की होगी 5 साल के दौरान। तो रेफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी भी रिसर्च में, रिसर्च पेपर में जाके। तो रिसर्च क्यों जरूरी है, गिव क्रेडिट टू अदर्स पीपल वर्क, कि जब हम रिसर्च के दौरान किसी के कोटेशंस को, किसी के वर्क को हम कोट करते हैं तो उसके वर्क को क्रेडिट देने के लिए हम रेफरेंसेस का यूज करते हैं। इनेबल अदर्स टू फॉलो ऑन योर आवर वर्क, और इसलिए भी कि हमारे वर्क को भी दूसरे जो लोग हैं वो साइट कर सके, फॉलो कर सके। अबाउट चार्जेस ऑफ प्लैगरिज्म, प्लैगरिज्म से बचने के लिए, क्योंकि रेगुलेशन जो नया रेगुलेशन उसमें आपकी थीसिस में बिलो देन 10% प्लैगरिज्म होना चाहिए, इसलिए प्लैगरिज्म से बचने के लिए भी हम लोग रेफरेंसेस का प्रयोग करते हैं। रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑल सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट हम देते हैं उन स्टेटमेंट्स को या उन इंफॉर्मेशंस को बल देने के लिए, फोर्स देने के लिए भी कि ये हम लोग रेफरेंसेस का प्रयोग करते हैं थीसिस में। यूज टू इंडिकेट द ऑरिजिन ऑफ मटेरियल एंड सोर्सेज फॉर रिसर्च एंड फर्दर रीडिंग, कि और कि ये जो इंफॉर्मेशन ली है या जो हमने मैटर लिया है किसी भी टॉपिक्स पर उसका ओरिजिनल सोर्स कहाँ है, ये भी हमें रेफरेंस से पता चलता है। और टू मेक द वर्क इंफॉर्मेटिव, और अपने जो हमारा जो वर्क है उसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, क्वालिटी उसमें लाने के लिए हम लोग भी रेफरेंसेस का प्रयोग करते हैं। एंड टू गेट रिकॉग्निशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द वर्क, अपने वर्क हमने जो वर्क किया उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए, उसकी रिकॉग्निशन के लिए भी हम लोग रेफरेंसेस का प्रयोग करते हैं। एंड टू हेल्प द रिसर्चर टू फाइंड आउट द ओरिजिनल सोर्सेज, जो ओरिजिनल सोर्स हैं इंफॉर्मेशन के या जहाँ से हमने जो कोटेशन लिया उन तक पहुँचने में भी जो रेफरेंसेस है वो हमारी हेल्प करता है। अब लोग बात करते हैं कि बिब्लियोग्राफी क्या होती है, ग्रंथ सूची क्या होती है। ए बिब्लियोग्राफी इज ए लिस्ट ऑफ बुक्स और अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव रेफरेंस्ड और कंसल्टेड व्हेन राइटिंग योर थीसिस। कह सकते हैं कि जो बिब्लियोग्राफी होती है वो हमारे पुस्तकों, जर्नल की एक सूची होती है जिन्हें हम अपने शोध के दौरान जिनसे कंसल्ट करते हैं, जिनसे आइडिया को बोरो करते हैं। वहाँ रेफरेंस में क्या था, डायरेक्टली साइटेड अगर किया है तो वो रेफरेंसेस है, आपने डायरेक्टली अपनी रिसर्च के दौरान साइट किया तो रेफरेंसेस। लेकिन बिब्लियोग्राफी में क्या है, अभी हम बात करेंगे क्या डिफरेंस होता है, कि इसको हम लोग अगर कहें कि ग्रंथ सूची का मतलब या तात्पर्य उन सभी स्रोतों से है जिन्हें अपने शोध के दौरान परामर्श या जिनसे हमने विचार किया है। ए बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड द फुल रेफरेंस इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द सोर्सेज विच यू मे हैव कंसल्टेड इन प्रिपेयरिंग ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एंड द पर्पस ऑफ बिब्लियोग्राफी इज टू अलाउ द रीडर टू ट्रेस आउट द सोर्सेज यूज्ड। ये बिब्लियोग्राफी बताती है कि आपने अपने रिसर्च के दौरान किस तरह की
इंटेंसिव स्टडी की है, किस तरीके का आपने गहन अध्ययन किया है, ये हमें बिब्लियोग्राफी देखकर पता चलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे स्टडी कर रहे हैं और आपकी बिब्लियोग्राफी में डैनियल गोल्डमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस बुक का डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी बिब्लियोग्राफी देखकर शोध की जो ग्रेविटी है या जो इंटेंसिटी है उसका हमें पता चलता है कि आपने अपने रिसर्च के दौरान किन किन बुक्स, किन किन जर्नल्स, किन किन लोगों से बातचीत की है। अगर इसको हम अगर संक्षेप में कहें तो बिब्लियोग्राफी ऑन द अदर हैंड कंटेन्स ऑल द सोर्सेज that you have used for thesis, whether they are directly cited or not. In a bibliography, you should include all of the materials you consulted in preparing your thesis. कि बिब्लियोग्राफी में वो सारी पुस्तकों, जर्नल्स आदि का वर्णन होता है, आपने चाहे उनको डायरेक्टली साइट किया नहीं किया है या नहीं किया, आपने उनसे आइडिया जनरेट बोरो किया है, आपने उनसे कंसल्ट किया है, तो बिब्लियोग्राफी में उन सारी चीज़ों का वर्णन होता है। हम लोग बात करेंगे कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर होता है। जनरली लोग एक ही समझते हैं कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी एक ही चीज़ है, लेकिन जबकि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में काफ़ी अंतर होता है। जैसे द टर्म रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी आर ऑफन यूज सेम, बट देयर इज अ डिफरेंस इन मीन बिटवीन देम। रेफरेंसेस आर आइटम यू हैव रीड और स्पेसिफिकली रिफर्ड और साइटेड इन योर वर्क एंड लिस्ट ऑफ सोर्सेज एट द एंड ऑफ असाइनमेंट will be headed reference। जैसे आपने अगर directly cited किया है किसी sources को, information को in text citation से अपने research paper के body के दौरान, तो वो references कहलाते हैं। और bibliography जो list of everything you read whether or not you referred specifically to it, और bibliography वो सारी सूची है आप पुस्तकों की, journals की, articles की, जिन्हें अपने आपने शोध के दौरान जिनसे कंसल्ट लिया है, जिनसे आपने आइडिया को गौरव किया है, वो से एंड रेफरेंस इज ए लिस्ट ऑफ वर्क यू हैव साइटेड इन योर वर्क्स। ए बिब्लियोग्राफी आल्सो लिस्ट द वर्क यू हैव साइटेड इन योर वर्क, बट इट मे आल्सो एडिशनल बुक्स एंड आर्टिकल्स यू हैव रीड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन बट नॉट साइटेड इन योर वर्क। आपने साइट भी नहीं किया, लेकिन अगर आपने उनसे उससे उस बुक से आपने इंटरव्यू से उससे कुछ भी आइडिया अगर आपने लिया है, मूवी भी हो सकती है, कोई यूट्यूब वीडियो भी हो सकता है, अगर आपने उससे कुछ आइडिया लिया है, कंसेप्ट लिया है, तो आपको अपनी थीसिस में उसको कोट करना चाहिए। अगर हम इसकी तुलना करें तो वही है कि संदर्भ से तात्पर्य उन सोचों से होता है कि उन्होंने हमने डायरेक्टली साइट किया है, डायरेक्टली हमने लिया है, संदर्भित किया अपने शोध के दौरान। और ग्रंथ सूची से तात्पर्य उन सभी सामग्रियों से होता है जिन्हें हमने अपने शोध कार्य के दौरान जिससे परामर्श लिया है। एक डिफरेंस मेनली है कि रेफरेंस को हम लोग अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो बिब्लियोग्राफी है उसको हम लोग सिर्फ अल्फाबेटिकली लिखते हैं, वर्णक्रम रूप में। और रेफरेंस में जो होता है वो इन टेक्स्ट साइटेशन होता है, हम आगे बताएंगे कि इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होता है, जो किया जाता है। और ग्रंथ सूची में दोनों इन टेक्स्ट साइटेशन भी हो सकता है, और जो आपने आइडिया लिया है वो कुछ वो बुक्स हो सकती है, वो आपका मूवी हो सकती है, वो यूट्यूब वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक तर्क का समर्थन करने के लिए आप एक रेफरेंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तर्क का समर्थन करने के लिए आप बिब्लियोग्राफी का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे किसी ने कहा आपसे, तो आप उसको करने के लिए, आप उसको सिद्ध करने के लिए रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन बिब्लियोग्राफी का यूज उस जो आपने जो तर्क दिया उसका सपोर्ट करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर हम इसका समअप करें रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी को, एक ही है, लेकिन इसमें मेनली डिफरेंशिएशन क्या है कि जो रेफरेंसेस होते हैं वो आपके रिसर्च को रिकॉग्निशन और ऑथेंटिकेशन दिलाते हैं, जबकि बिब्लियोग्राफी से पता चलता है कि आपने अपने रिसर्च के दौरान किस तरह की इंटेंसिव स्टडी की है, कितना गहन अध्ययन किया है, कितनी बुक्स पढ़ी हैं, कितने जर्नल्स आपने रिव्यू किए हैं, कितने आपने टूल्स रिव्यू किए हैं, ये सारी सब चीज़ों का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो हम लोग बिब्लियोग्राफी के में लिखते हैं। या इसको तरीकों कह सकते हैं कि बिब्लियोग्राफी जो है वो ब्रॉड होती है और डिफरेंसेस नैरो होते हैं, या
बिब्लियोग्राफी में रेफरेंस सम्मिलित होते हैं। हम लोग बात करते हैं जिससे प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है कि रेफरेंस लिखने की डिफरेंट स्टाइल्स होती हैं, तरीके होते हैं, जिन पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले जो पॉपुलर स्टाइल है वो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल, जिसे हम लोग APA बोलते हैं, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ स्टाइल। दूसरा स्टाइल है MLA स्टाइल, इसे मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल बोला जाता है, आधुनिक भाषा संघ स्टाइल बोलते हैं जिसको। और तीसरी स्टाइल जो लोग यूज करते हैं वो है शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। नेक्स्ट स्टाइल जो यूज होती है वो है हार्वर्ड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। नेक्स्ट स्टाइल वो है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री स्टाइल, एंड लास्ट वैंकूवर स्टाइल। और भी बहुत सारी स्टाइल्स हैं, लेकिन मेनली जो स्टाइल्स यूज होती है रेफरेंसिंग की वो ये छह हैं। और सबसे जो पॉपुलर स्टाइल्स में से हैं वो फर्स्ट थ्री, APA स्टाइल, MLA स्टाइल एंड शिकागो स्टाइल। अब वो बात करते हैं कि रिसर्च में सोर्सेस को कैसे जोड़ते हैं। अब हम रिसर्च कर रहे हैं तो दो तरीके से हम लोग दूसरे की इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, एक कोट के द्वारा कोटेशंस और दूसरा पैराफ्रेज। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? कोट होता है कि जैसे ये डेफिनेशन अलपोर्ट की है, अलपोर्ट का है, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन इज यूनिक एडजस्टमेंट टू इज एनवायरमेंट। व्यक्तित्व व्यक्ति में अंतर्निहित तो समस्त मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। ये अल्पोर्ट की डेफिनेशन है, उनके ही वर्डों में है। और इसको अगर हम अपने वर्डों में लिखें दैट मीन उसको हम लोग पैराफ्रेज कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी को मैंने पैराफ्रेज करने की कोशिश की है, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक अरेंजमेंट ऑफ दो साइकोफिजिकल प्रोसेसेस विद इन द इंडिविजुअल दैट डिफाइन इज पर्टिकुलर एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट सेज अनकोट। कोट का मतलब एज इट इज। आपने कहीं से किसी का स्टेटमेंट लिया है, किसी की डेफिनेशन ली है, तो आपको आप अपने रिसर्च में, रिसर्च पेपर में, थीसिस में, प्रोजेक्ट में उसको एज इट इज लिख सकते हैं। लेकिन उसको अपने वर्ड में जब हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग पैराफ्रेज कहते हैं। वो आप हिंदी के लिए कोई भी तरीका हो सकता है। अब हम लोग बात कर रहे थे इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होता है। तो इन टेक्स्ट साइटेशन इज द ब्रीफ फॉर्म ऑफ रेफरेंसेस दैट यू इंक्लूड इन द बॉडी ऑफ योर पेपर। एक संक्षिप्त रेफरेंस होता है। जब हम लोग कोई कोट लिखते हैं, कोटेशन लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, तो उसके लास्ट में उस ब्रीफ इन टेक्स्ट साइटेशन को हम लोग मेंशन कर देते हैं। इट गिव्स इनफ इंफॉर्मेशन टू uniquely identify the source in your reference list, and the brief form usually consists of family name of the author and year of publication. आपने किसी का quotation लिखा और आपने last में उसको in citation, text citation लिख दिया। अब वो in text citation को हम लोग last में reference या bibliography में देखेंगे कि वो क्या है, book है या journals है या interview है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, एक paragraph है और paragraph में ये जो बोल्ड है वो इन टेक्स्ट साइटेशन है। इफ यू रिसर्चेस इन द लिंग्विस्टिक फील्ड हैव डेवलप्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन टू इंप्रूव नेटिव स्पीकर्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेंटेंस स्पीच ड्राइंग इट ऑल 2012। तो ये जो बोल्ड है ये इन टेक्स्ट साइटेशन, इनको बोलते हैं हम लोग, और इनको हम लोग इन टेक्स्ट साइटेशन को लास्ट में रेफरेंस में इंक्लूड कर लेते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये अर्विंग इट ऑल 2002 और थॉमस 2004, इसका फुल रेफरेंस क्या है। रेफरेंसेस के सोर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से? मोस्टली हम लोग अपने रिसर्च में पहले अगर बात करें 10-15 साल पहले तो मोस्टली बुक्स हुए, रिसर्च जर्नल्स हुए, और यही ज़्यादातर प्रयोग करते थे। थीसिस का रेफरेंस लेते थे। तो पहले सबसे पहला बुक्स का यूज हम लोग रेफरेंसेस में करते हैं, जनरल आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर। किस तरीके के, अगर आप हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर देखेंगे तो उनमें ABDC जर्नल्स हैं,
ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन स्टडीज जिन्हें बोलते हैं, वर्ल्ड फेमस जर्नल्स क्वालिटी स्कोपस जर्नल्स हैं, टेलर एंड फ्रांसिस के जर्नल्स हैं और सेज जर्नल्स हैं, और इंडिया में बात करें तो यूजीसी के जर्नल्स हैं, तो वो प्रयोग करते हैं हम लोग। न्यूज़पेपर भी आप और मैगजीन्स भी इंक्लूड कर सकते हैं रेफरेंसेस में, अपने पंपलेट्स यूज कर सकते हैं। मूवीज डॉक्यूमेंट्रीज टेलीविजन प्रोग्राम्स एडवर्टीजमेंट वेबसाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस, क्योंकि इस समय वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा एवरीथिंग इज अवेलेबल, इवन आप बुच के सर्वेज भी हैं, वो भी अब सारे ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं, चाहे फर्स्ट सर्वे हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सारे सर्वेज हैं वो बुच के, वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स हैं और पर्सनल इंटरव्यूज हैं और लेक्चर्स भी आप रेफरेंस में कोट कर सकते हैं और ट्वीट्स, क्योंकि ट्वीट्स को भी आजकल सारे गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन उनके अपने ट्विटर हैंडल हैं, तो अगर कोई बात कहता है तो उसकी बात को आप ट्वीट के माध्यम से भी आप कोट कर सकते हैं। तो इतने सारे और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन मेनली ये सारे सोर्सेस हैं, बुक, जर्नल्स, न्यूज पेपर, पंपलेट, फिल्म, वेबसाइट, लेटर, पर्सनल इंटरव्यूज, लेक्चर्स और ट्वीट्स, और सोशल मीडिया पोस्ट को भी आप रेफरेंसेज में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं APA स्टाइल की, इसे हम लोग बोलते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल, बहुत फेमस स्टाइल है, पॉपुलर स्टाइल्स है, और वर्ल्ड के जितने भी फेमस जर्नल्स हैं, चाहे जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करें जो सेज जर्नल सेज पब्लिकेशन का है, और चाहे टेलर एंड फ्रांसिस जर्नल की बात करें, ABDC जर्नल की बात करें, उन सारे उनमें और भी जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड हो या JNU की हम बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पे मोनली APA स्टाइल का प्रयोग करते हैं। और APA का जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है, सबसे अद्यतन जो वर्जन है वो है 7th एडिशन। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो उसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 1923 में हुई थी, और 1929 में इन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करना चालू किया APA जर्नल्स के लिए, स्पेशली अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के कुछ जर्नल्स हैं उनके लिए इन्होंने 1929 में शुरुआत की उनके लिए मैनुअल्स बनाने की। बाद में इन्होंने थीसिस का भी मैनुअल और पेपर के लिए भी मैनुअल बनाना स्टार्ट किया, और जो लेटेस्ट एडिशन है वो 7th एडिशन है, और ये 2019 में ये इन्होंने इसका मैनुअल अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसको लॉन्च किया। इससे पहले 6th एडिशन चल रहा था, लेकिन अगर अभी हम किसी फेमस जर्नल में किसी रेप्यूटेड जर्नल में पेपर देते हैं और अगर आप वहाँ 6th एडिशन में भेजते हैं तो वो लोग रिवाइज कर देते हैं कि आप इसको 7th एडिशन में भेजिए इनपुट करके। कुछ मेजर चेंजेस आए हुए हैं 6th एडिशन और 7th एडिशन में, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये मेनली APA का एक हिस्ट्री है जिसे हम लोग अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ बोलते हैं। तो सबसे पहले बुक्स की बात करें कि बुक की फॉर्मेटिंग क्या होती है, APA स्टाइल में बुक को कैसे लिखा जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि जब मैं कई जर्नल में रिव्यूअर भी हूँ, तो पीयर रिव्यू जब मैं पेपर को करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 30 या 35 रिसर्च पेपर में हार्डली 5 या 6 रिसर्च पेपर ऐसे आते हैं जो परफेक्ट होते हैं, जिनमें जबकि मैं क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रखता हूँ वेबसाइट पे और पोस्ट में भी कि रेफरेंस शुड बी एन APA स्टाइल 7th एडिशन। तो हार्डली और बहुत जो रिसर्चेस कर रहे हैं तो मोस्टली 3 या 4 पेपर मिलते हैं जिनमें परफेक्टली जो रेफरेंसेस हैं वो APA स्टाइल में लिखे रहते हैं, बाकी सारे पेपर्स में कोई पता ही नहीं चलता APA स्टाइल है या ML स्टाइल है या दोनों का मिक्स स्टाइल है। तो जैसे मैंने बताया कि पेपर की क्वालिटी और थीसिस की क्वालिटी आपके रेफरेंस पर उसकी पता चलती है कि आपने किस तरीके से इंटेंसिव स्टडी की है। और आजकल तो ट्रेंड ये है कि थीसिस जो है वो इवैल्यूएशन के लिए, जब से कोरोना पीरियड आया है, कि
सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में चेक दी जाती है। तो आपने जो पीछे रेफरेंसेस लिखे हुए हैं और आपने वहाँ वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है, तो जो प्रोफेसर है उसको क्लिक करके भी देखते हैं कि वास्तव में आपने जो साइटेशन लिया है कि वास्तव में वो वेबसाइट अवेलेबल है या आपने ऐसे ही लिख दिया, तो उससे आपके रिसर्च पेपर की क्वालिटी पता चलती है, आपकी थीसिस की क्वालिटी पता चलती है कि आपने किस किस तरीके के जर्नल्स आपने पढ़े हैं, किन तरीके की बुक्स आपने पढ़ी हैं, किस किस तरीके के टूल्स आपने रिव्यू किए हैं अपने रिसर्च के दौरान, तो वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो 7th एडिशन में अगर हम बुक की बात करें तो इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले ऑर्डर जो ऑथर है उसका लास्ट नेम, फिर कॉमा, देन इनिशियल, इनिशियल का मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म, आगे फिर डॉट और ब्रैकेट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर डॉट उसके बाद टाइटल ऑफ द बुक, बुक का जो टाइटल है वो इटैलिक होना चाहिए, और देन फिर पब्लिशर। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं, कॉल कॉमा एल, लोकेश कॉल की बुक है ये, फेमस बुक है मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशन रिसर्च, तो मैंने इस कॉल और उनका इनिशियल एल डॉट 2010 ब्रैकेट में डॉट मैथ और बुक का टाइटल मैथोलॉजी ऑफ एजुकेशन रिसर्च फिर डॉट और पब्लिशर नेम। लेकिन जो 6th एडिशन था उसमें क्या था कि सेम पैटर्न था लेकिन टाइटल और बुक के बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आता था कि ये जो विकास पब्लिशिंग हाउस है वो कहाँ पर स्टेप कहाँ पर है, तो उसका ये हो जाता कॉल कमल एल 2010 मैथोलॉजी ऑफ एजुकेशन रिसर्च डॉट और फिर यहाँ पे आ जाता न्यू दिल्ली फिर कॉलम देन विकास पब्लिकेशन। ये दोनों में माइनर डिफरेंसेस है 6th एडिशन और 7th एडिशन में। अगर टू ऑथर की बात करें तो बेस्ट कॉमा जे डब्ल्यू एंड कहान जेम्स बी डॉट 2010 ब्रैकेट में डॉट रिसर्च इन एजुकेशन डॉट 20 साल ऑफ इंडिया, ये सिंगल जो ऊपर वाला था वो सिंगल ऑथर के लिए, देन सेकंड डबल ऑथर के लिए। एक क्वेश्चन 2012 में नेट में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एपीए स्टाइल का रेफरेंस का बुक का सही क्रम है, तो उन्होंने चार दिए थे, कहीं डॉट नहीं था कहीं कॉमा नहीं था, तो बहुत माइन्यूटली डिफरेंसेस होते हैं और आपको इनको ऑब्जर्व करके उसमें सही विकल्प का चयन करना चाहिए कि ये जो एपीए की है ये सिंगल बुक ऑथर के रेफरेंस लिखने का ये प्रॉपर फॉर्मेट है सिंगल ऑथर और डबल ऑथर के लिए। और हम बात करें हिंदी में बात करें तो मोस्टली हिंदी में भी उसको यही होता है गुप्ता कॉमा एसपी 2006 ब्रैकेट में डॉट बुक का टाइटल आधुनिक मापन एंड मूल्यांकन फिर डॉट और उसके बाद पब्लिशर नेम शारदा पुस्तक भवन फिर डॉट। इवन अगर आपका आपने डॉट भी नहीं लगाया तो ये जो जो रेफरेंसिंग स्टाइल है वो गलत हो जाएगी। अगर हम 3 से ज्यादा ऑथर है तब क्या इसका फॉर्मेट होना चाहिए, ऑथर लास्ट नेम कॉमा इनिशियल्स फिर कॉमा ऑथर लास्ट नेम फिर इनिशियल्स एंड जो थर्ड ऑथर नेम है लास्ट ऑथर लास्ट नेम कॉमा इनिशियल्स डॉट ब्रैकेट के अंदर ईयर ऑफ पब्लिकेशन टाइटल ऑफ बुक इटैलिक फॉर्म में एंड देन पब्लिशर। अगर इसको हम इसका एग्जांपल दें तो स्मिथ कॉमा टी इनिशियल्स उसका विलियम्स कॉमा बी एम एंड स्ट्रीट आर ब्रैकेट के अंदर ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2020 डॉट एजुकेशनल रिसर्च बुक का टाइटल हो गया एंड देन हार्पर कॉलिंस ये हो गया पब्लिशर नेम, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन और इसको अगर हम इन टेक्स्ट साइटेशन में अगर हमको दिखाना हो तो हम स्मिथ इट ऑल डॉट 2020 कर देंगे, सही अगर आपने कहीं से इस किताब में से कोटेशंस लिया है तो आप इसको स्मिथ इट ऑल डॉट 2020 करके दे सकते हैं। इट ऑल क्या होता है जो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, इट एल इज द शॉर्ट फॉर्म फ्रॉम द लैटिन टर्म इट एलिया मीनिंग एंड अदर्स, इट एल एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका
अगर हम मीनिंग कहें तो होता है एंड अदर्स और दूसरे। इट इज़ यूज्ड इन एकेडमिक साइटेशन व्हेन रेफरिंग टू ए सोर्स विद मल्टीपल ऑथर, जब तीन से ज़्यादा ऑथर होते हैं, सब फॉर एग्जाम्पल अगर 20 ऑथर है तो अगर 20 ऑथर को रेफरेंसेस में लिखेंगे तो रेफरेंसेस बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको इस एग्जाम्पल दें सिंग इटल डॉट 2019। इसका मतलब हुआ कि इसमें मल्टीपल ऑथर है, मोर देन 3 ऑथर्स हैं इसमें, इस तरीके से हम इसको इटाल को कर सकते हैं जब मोर देन 3 ऑथर्स होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि इटाल और ईटीसी एक ही बात है, इन्होंने डिफरेंस है, इटाल शुड बी कंफ्यूज विद ईटीसी, इट इज यूज्ड फॉर लिस्ट ऑफ पीपल्स, इटाल का प्रयोग लिस्ट ऑफ पीपल्स के लिए किया जाता है जबकि ईटीसी इज यूज फॉर लिस्ट ऑफ थिंग्स एंड कंसेप्ट, ये दोनों में डिफरेंस है। तो जब मोर देन 3 ऑथर्स होते हैं तब हम इटाल का प्रयोग करते हैं। और पंक्चुएशन में देखेंगे आप स्क्रीन पे, और कभी कभी इट डॉट नहीं लगाते, कभी इट पे डॉट लगाते हैं, एल पे नहीं लगाते हैं, इटैल पे नहीं लगाते हैं, लेकिन लास्ट वाला जो तरीका है इटैल लिखने का वो करेक्ट है और उस वो ईयर से पहले आना चाहिए। अगर हम जर्नल आर्टिकल्स की बात करें पीएस 7th स्टाइल में, तो उसका जो फॉर्मेट है ऑथर्स लास्ट नेम कॉमा इनिशियल्स डॉट ब्रैकेट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन देन डॉट टाइटल ऑफ आर्टिकल डॉट एंड टाइटल ऑफ जर्नल शुड बी इटैलिक में जर्नल का टाइटल और वॉल्यूम भी इटैलिक में होना चाहिए, इशू इटैलिक में नहीं, केवल जर्नल का टाइटल और वॉल्यूम देन ब्रैकेट में इशू कॉमा फिर पेजेस जो हो, और अगर आपने कहीं से ऑनलाइन जर्नल है तो उसका URL एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे एंड्रयू कॉमा डब्ल्यू 2000 ब्रैकेट के अंदर डॉट द इवॉल्विंग यूरोपियन मॉडल ऑफ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फाइनेंस डॉट जर्नल ऑफ स्पोर्ट इकोनॉमिक्स कॉमा 1, ये 1 वॉल्यूम और 3 इशू है, तो जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स ऑफ 1 इटैलिक में लिखा है, देन ब्रैकेट में 3 वॉल्यूम नंबर एंड इशू नंबर दैट कॉमा और पेज नंबर 257 to 276 और URL एड्रेस, इसको वहाँ पे कॉपी कर देते हैं। सिंगल ऑथर है तो मोहंती SB 1999 एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सिटी न्यूज 3749 वॉल्यूम नंबर 3749 14 to 19। यूनिवर्सिटी न्यूज एक फेमस जर्नल है और 37 इसका वॉल्यूम नंबर है जो इटैलिक में यहाँ पे मेंशन है। अगर हिंदी में हम बात करें तो दुबे डॉट PC इनिशियल है इसका 2011-2011 विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर शैक्षिक अभिप्रेरणा तथा समायोजन का प्रभाव का अध्ययन भारतीय आधुनिक शिक्षा कॉमा 31-3 कॉमा 89-95 भारतीय आधुनिक शिक्षा 31 है ये इसका जर्नल का टाइटल है, जर्नल नेम है और 31 है इसका वो वॉल्यूम नंबर है, ये दोनों चीज इटैलिक में होना चाहिए। अगर ऑनलाइन आर्टिकल की बात करें तो उसका भी तरीका यही है, बस बाद में क्या करते हैं हम लोग पाटिल एम एंड के शिव कुमारा 2016 पेपर का टाइटल फ्रस्ट्रेशन लेवल ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स एम एंड देयर जेंडर द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कॉमा 3-2-3 वॉल्यूम नंबर 2 इशू नंबर 30-42 पेज नंबर, और हमने यहाँ पे वेबसाइट को पेस्ट कर दिया और एक्सेस्ड ऑन 11/6/2021। इसको इसलिए जरूरी होता है कि ऑनलाइन जर्नल है कि कभी कभी जब कोई चेक करता है रेफरेंसेस को तो वेबसाइट जो होती है उसका जो डोमेन है वो एक्सपायर कर जाता है या वो वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, सर्वर डाउन है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि इस डेट को इस इतने बजे मैंने इस वेबसाइट को एक्सेस किया था। हिंदी में भी वही तरीका होता है, रानी आर इनिशियल 2017 अंबाला मंडल के सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की समस्याओं का उनके समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस 81/20-229 और आपने उसका URL एड्रेस दे दिया और कब एक्सेस किया था 29/6/2017 को।
अब मैंने ये पार्ट होता थीसिस को कैसे एपीए सेवेंथ स्टाइल में हम लोग इंक्लूड करें, तो उसके लिए जो उसका फॉर्मेट होता है, ऑथर्स लास्ट नेम, जो रिसर्चर है इनिशियल्स, उसका ब्रैकेट में ईयर डॉट, फिर डिजर्टेशन टाइटल जो थीसिस का टाइटल है और अनपब्लिश्ड है या टाइप वो या डिजर्टेशन है, फिर ब्रैकेट में उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम। जैसे मैंने क्या उदाहरण दिया है, श्रीवास्तव पी 2021 में एक थीसिस है, रिडक्शन इन मेंटल हैज ऑफ स्टूडेंट्स विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट थ्रू कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रेनिंग एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। आप ब्रैकेट में दे दिया आपने क्या है, डॉक्टरल थीसिस है या मास्टर थीसिस होती तो आप मास्टर थीसिस यहाँ पे लिख सकते थे, और यूनिवर्सिटी का नाम आपने दे दिया यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। ये लेटेस्ट फॉर्मेट है बीएस सेवेंथ स्टाइल का थीसिस को अपने लिखने का। ऑनलाइन अगर थीसिस है तो यादव जीपी इनिशियल हो गया 2021, रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एनहेंसिंग क्वालिटी एजुकेशन थ्रू कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एजुकेशन लोन एंड अप्रेजल, ये डॉक्टरल थीसिस है, ब्रैकेट में दिया यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। और कब रिट्राइव की है, सोध गंगा से मैंने रिट्राइव की है, तो सोध गंगा का मैंने पूरा उसका एड्रेस यहाँ पे लोकेट दे दिया। अगर हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जो जैसे प्लानिंग कमीशन के डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे यूजीसी के एनुअल रिपोर्ट्स हैं, उनको हमें अपने रेफरेंस लिस्ट में अगर इंक्लूड करना है बिब्लियोग्राफी में, तो उसका जो फॉर्मेट है वो है ऑर्गेनाइजेशन नेम डॉट ब्रैकेट में ईयर एंड मंथ डे ब्रैकेट क्लोज एंड डॉट, और पेज का टाइटल क्या है एंड साइट नेम और उसका यूआरएल। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन नेम है इसका, और 2021 जनवरी 29 में को ये रिलीज हुई, और पेज का टाइटल है प्रोटेक्टिंग वर्कर्स गाइडेंस ऑन मिटिगेटिंग एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन द वर्क प्लेस, और मैंने यहाँ पे साइट का एड्रेस दे दिया www.osha.gov.coronavirus/safework। इस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो प्लानिंग कमीशन का हो, चाहे यूजीसी की एनुअल रिपोर्ट हो, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को इस तरीके से हम लोग अपने रिसर्च में पोर्ट कर सकते हैं। एक नया ट्रेंड चला है कि लोग यूट्यूब फॉर वीडियोज जो हैं डिफरेंट चैनल्स के, उनसे बहुत ज़्यादा उनका रेफरेंस अपने रिसर्च पेपर में थीसिस में देते हैं। अगर उनसे कुछ आपने आइडिया गौरव किया है, कुछ आपने कॉन्सेप्ट अगर गौरव किया है, तो उसको लिखने का तरीका है, उसका जो फॉर्मेट होता है चैनल नेम एंड डॉट ब्रैकेट में ईयर मंथ डे ऑफ पब्लिकेशन, जिस डेट को वो पब्लिश हुआ, एंड टाइटल ऑफ द वीडियो ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में वीडियो, और देन वेबसाइट या यूआरएल, और यूआरएल जैसे चैनल का नाम अन अकेडमी, और 2020 अगस्त 20 को मैंने एक ये वीडियो आया डेवलप ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन थ्री स्टेप्स, और मैंने ब्रैकेट में वीडियो, और यूट्यूब है, और उसका यूट्यूब का जो इसका यूआरएल है वो वहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अगर न्यूज़पेपर को भी हम अपने रिसर्च में बिब्लियोग्राफी में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे उसका जो फॉर्मेट होता है ऑथर्स लास्ट नेम कॉमा इनिशियल्स डॉट ब्रैकेट में ईयर मंथ डे ऑफ पब्लिकेशन टाइटल ऑफ आर्टिकल न्यूज़पेपर नेम एंड देन यूआरएल। जैसे पॉपकिन जी 12 अगस्त 2022 का है ये आर्टिकल, ग्लोबल वार्मिंग कुड अनलॉक कार्बन फ्रॉम ट्रॉपिकल सॉइल, और टाइटल है न्यूज़पेपर का आर्टिकल का द न्यूयॉर्क टाइम्स है न्यूज़पेपर का नाम, और उसका यूआरएल एड्रेस वेबसाइट एड्रेस मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ट्विटर हैंडल की बात करें तो उसका जो फॉर्मेट होता है देन ऑथर्स नेम देन इनिशियल्स स्क्वायर ब्रैकेट में एट द रेट ऑफ यूजर नेम, जो आपका जिसका ट्विटर है उसका यूजर नेम, और ब्रैकेट में ईयर कॉमा मंथ डे और टैक्स ऑफ ट्वीट, जो ट्वीट उन्होंने लिखा है उसका टैक्स, स्क्वायर ब्रैकेट में ट्वीट डॉट देन ट्विटर का यूआरएल एड्रेस। जैसे डेविडसन एल और इनका यूजर नेम है एट द रेट ऑफ लीजा _B_ डेविडसन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये 20 मार्च 2021 को उन्होंने पोस्ट किया था, और टेक्स्ट ट्वीट का हैज़ एनीवन एवर रिटन अबाउट माय सम इनिशियल वर्ड कैस नेम इन इंग्लिश, और इसके बाद इसका केसी जेपी एंड मोस्ट थिंग फॉरवर्ड बाय द
ट्वीट मैंने लिख लिया और ट्विटर लिख के और ट्विटर हैंडल जो उसका जो पूरा यूआरएल है वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, टाइप कर दिया। ट्वीट 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखते हैं इसमें, ये इसमें एक विशेषता है इसकी, इसका फॉर्मेट में। अब कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है कि जब आप कोई रेफरेंस ले रहे हैं कहीं से, आप कोई इन्फॉर्मेशन मिला जो आपको अपनी थीसिस में कोट करना है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन जर्नल्स में मेरे साथ ये समस्या होती है कि कोई राइटर का नाम नहीं सेंड करता, कोई ईयर सेंड नहीं करता, तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन के को जो नहीं आपके पास कैसे हैंडल किया जाए। तो उसके लिए एक APA सेवित स्टाइल में जो गाइडलाइन दी गई है वो है, जैसे अगर ऑथर का नेम, ऑथर नेम है अगर वो मिसिंग है, तो उसके लिए आप यूज सोर्स टाइटल, टाइटल उसका सोर्स टाइटल यूज कर सकते हैं, और डेट नहीं है तो डेट के लिए हम लोग ND इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल n डॉट स्मॉल ई, ND मीन्स नो डेट, अगर डेट नहीं है उसमें यट नहीं है तो आप ND का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर पेज नंबर मिसिंग है तो उसको आप ओमिट कर दीजिए, तो जिस चैप्टर में हो उस चैप्टर का, जैसे एग्जांपल गोयल 2020 चैप्टर 4 लिख दिया, इसमें पेज नंबर नहीं था, या गोयल 2022 उससे भी काम चल सकता, आप उसको पेज नंबर को ओमिट कर सकते हैं। ऑथर नहीं है तो सोर्स टाइटल से आप स्टार्ट करिए। तो ये एक गाइडलाइन में दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं, एक मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल है और उस पर बात करते हैं। मेनली जो APA स्टाइल है वो सोशल साइंसेस में ज़्यादा प्रयोग की जाती है, सोशल साइंसेस में साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, आपका इनमें मोस्टली जो सोशल साइंसेस हैं उनमें ज़्यादा प्रयोग होती है, इकोनॉमिक्स है, लेकिन जो MLA है वो ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन हो सकता है कि जो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल है वो ह्यूमैनिटीज़ में, लैंग्वेज में और लिटरेचर, तीन में मोस्टली ज़्यादा यूज होती है। और MLA का, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि MLA का मतलब मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, और ये आधुनिक भाषा संघ की इन्होंने एक मैनुअल बनाया है कि ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेज और लिटरेचर के जो सब्जेक्ट है वहाँ पे रेफरेंसिंग कैसे की जाए, उसका एक पूरा मैनुअल है। और सबसे जो लेटेस्ट एडिशन है वो 9th एडिशन है, और जो 2021 में लॉन्च हुआ, इससे पहले 8th एडिशन चल रहा था। तो जो लोग इंग्लिश में है और स्पेनिश वगैरह जो डिफरेंट लैंग्वेज हैं या हिस्ट्री है उसमें रिसर्च करते हैं, तो वो लोग MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल है उसका यूज करते हैं। तो उसके कुछ MLA में डिफरेंस क्या है, APA में कुछ मेजर डिफरेंसेस है, वो है कि MLA में अगर आप कोट करते हैं रेफरेंसेस को कोई, तो उसका जो फॉर्मेट है, ऑथर्स लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, यहाँ पे इनिशियल्स की ज़रूरत नहीं होती, और टाइटल ऑफ बुक शुड बी इन इटैलिक में टाइटल होना चाहिए, पब्लिशर नेम एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन सबसे बाद में। जैसे मैं आपको अगर उदाहरण दूँ, एग्जांपल सेंट्रॉक जॉन एजुकेशन साइकोलॉजी, मैक्रा हिल एजुकेशन पब्लिशर है, और किस ईयर की है बुक, 2017। तो बेसिक डिफरेंस APA और MLA में ये है कि APA में ऑथर्स नेम के ठीक बाद हम ईयर देते थे, लेकिन इसमें सबसे लास्ट में, जो MLA स्टाइल में सबसे लास्ट में ईयर आता है, और इनिशियल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर टू ऑथर की बुक है तो वही ऑथर्स लास्ट नेम देन फर्स्ट नेम एंड ऑथर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, टाइटल ऑफ बुक इटैलिक में एंड पब्लिशर नेम एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन, जैसे इसमें थॉमस, उसमें थॉमस का हम लोग टिक कर देते थे इनिशियल, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा नेम देना पड़ेगा, स्मिथ थॉमस एंड बारबरा माइकल विलियम्स, द साइटेशन मैनुअल फॉर स्टूडेंट्स इक गाइड, ये टाइटल है बुक का और विले पब्लिकेशन है, और 2022 में ये बुक पब्लिश हुई। जर्नल्स में अगर हम बात करें तो उसका जो फॉर्मेट है, ऑथर्स लास्ट नेम देन फर्स्ट नेम और इन्वर्टेड कॉमा में आर्टिकल टाइटल ऑफ द आर्टिकल, आपके रिसर्च पेपर का जो टाइटल है वो इन्वर्टेड कॉमा में, एंड टाइटल ऑफ जर्नल शुड बी इटैलिक में होना चाहिए, तब आप उसको वॉल्यूम नंबर लिखेंगे, वॉल्यूम करके फिर वॉल्यूम नेम वॉल्यूम नंबर,
इशू, फिर मंथ, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पेज, फिर डीओआई। जैसे डीओआई एक डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, एक स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, जिस अगर वो हर पेपर का एक जो रिपीटेड जर्नल्स होते हैं, जैसे से जर्नल्स हैं या तो सेफ जर्नल्स हो गए और टेलर फ्रांसिस के जर्नल हो गए, तो हर जर्नल्स को डीओआई नंबर देते हैं, उस डीओआई नंबर से आप उस स्पेसिफिक पेपर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे एंड्रयू डॉट कीट, यहाँ पूरा नेम है, इन्वर्टेड कॉमा में हमने आर्टिकल का टाइटल लिखा, द इवॉल्विंग यूरोपियन मॉडल ऑफ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फाइनेंस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स। अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम वन, उसमें पीएमएन हम लोग नहीं लिखते थे, सीधा 1-3 कर देते थे, यहाँ पे वॉल्यूम वन नंबर 3 सितंबर 2000, और यहाँ पे पीपी करके आपको पेज नंबर 257 टू 276, और यहाँ डीओआई नंबर जो मैंने आपको बताया था डिजिट में होता है, उस डीओआई नंबर को यहाँ पे हमने टाइप कर दिया या इंक्लूड कर दिया। अगर टू ऑथर है तो वही तरीका है, उसमें ऑथर्स लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, एंड फिर दूसरे सेकेंड ऑथर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इन्वर्टेड कॉमा में टाइटल ऑफ आर्टिकल्स, फिर टाइटल ऑफ जर्नल्स इटैलिक, वॉल्यूम नंबर, फिर इशू नंबर, मंथ, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पेज नंबर एंड देन यूआरएल। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, एंड्रिफ कीट एंड पॉल डेविड, द इवॉल्विंग यूरोपियन मॉडल ऑफ प्रोफेशनल स्पोर्ट फाइनेंस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी, वॉल्यूम वन नंबर 3 सितंबर 2000 257 26, एंड देन हमने यहाँ पे जो जर्नल का जो यूआरएल था या जो एड्रेस था वो हमने यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। थीसिस में अगर हम बात करेंगे तो उसका लास्ट जो फॉर्मेट होता है, लास्ट फर्स्ट टाइटल ऑफ द थीसिस या डिजर्टेशन है, ईयर पब्लिश्ड एंड नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और टाइप ऑफ द डिग्री। जैसे मैंने कहा लिखा है इसमें गुप्ता मोहित, ए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट एंड वैल्यूज ऑफ हायर सेकेंडरी स्टूडेंट 2022 में ये अवार्ड हुई, और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, और लास्ट में मैंने देखिए किस टाइप की देंगे, पीएचडी थीसिस, अगर एमए डिजर्टेशन होगा तो आप यहाँ पे एमए डिजर्टेशन लिख सकते थे। न्यूज पेपर का भी वही टाइटल फॉर्मेट है, इसका ऑथर लास्ट नेम, फिर कॉमा एंड फर्स्ट नेम, फिर डॉट इन्वर्टेड कॉमा में टाइटल ऑफ आर्टिकल, देन न्यूज पेपर नेम, डे, मंथ, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड देन पेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉपकिन कॉमा जेबीएल नाम हो गया, इन्वर्टेड कॉमा में आर्टिकल नेम हो गया, टाइटल हो गया आर्टिकल का, ग्लोबल वार्मिंग कुड अनलॉक कार्बन फ्रॉम ट्रॉपिकल सोइल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड देन द न्यूयॉर्क टाइम्स पेपर का नाम हो गया, 12 अगस्त 2022 ये डेट, मंथ, ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो गया, और पेज। अब इम्पोर्टेंट है कि ये तो मैंने दो मेन बेसिक्स बताए, अब जो एपीए स्टाइल होता है इसका, जो आप हम किस तरीके से रेफरेंस पेज की फॉर्मेटिंग करें वो भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपने रेफरेंस सही तरीके से लिखा, सही तरीके से आपने टैलिक है डॉट सब जगह लगाया, लेकिन आपकी आपने पेज की फॉर्मेटिंग सही तरीके से नहीं की तो वो भी गलत है। तो उसके लिए भी कुछ एपीए मैनुअल में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो पे बस जो मेन इंस्ट्रक्शन है उन पर फोकस करूँगा। सबसे पहले है कि ऑन द रेफरेंस पेज यू लिस्ट ऑल द सोर्सेज यू हैव साइटेड थ्रू आउट द पेपर, प्लेस द पेज राइट देम बॉडी एंड बिफोर एनी अपेंडिक्स। सबसे पहले है कि आप रेफरेंसेस को बीचों बीच बोल्ड में होना चाहिए, अगर रेफरेंस पेज है उसी पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, और बोल्ड हो, सेंटर्ड हो, और उसके लिए आपको रेफरेंसेस में डबल स्पेसिंग होनी चाहिए, डबल स्पेसिंग विद इन और बिटवीन दोनों। एक अगर तीन लाइन में रेफरेंस आ रहा तो तीन लाइन के बीच में और एक रेफरेंस से दूसरे रेफरेंस के बीच में भी डबल स्पेसिंग आपकी होनी चाहिए पी स्टाइल के अकॉर्डिंग। और इंडेंट जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा पेज पे, जो इंडेंट है वो हैंगिंग इंडेंट होना चाहिए, और हाफ इंच 0.5 इंच का हाफ इंडेंट इसमें होना चाहिए। और जो लेजिबल फॉन्ट की बात करते हैं तो उसमें आप ए पी स्टाइल में
टाइम्स न्यू रोमन 12 या एरियल 11, इन्हीं दो फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके मैनुअल्स में ये चीज़ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अगर आप एपीएस स्टाइल में रेफरेंस बनाते हैं, रेफरेंस पेज बनाते हैं, रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं और पेज नंबर इन द टॉप राइट हेडर, राइट हेडर में पेज नंबर होना चाहिए, ये नहीं कि आप बॉटम में डाल, बॉटम में बिलो, तो राइट हेडर में होना चाहिए पेज नंबर। ये कुछ बेसिक्स हैं कि रेफरेंसेस लिखने के लिए जब आप थीसिस या रिसर्च पेपर लिखते हैं। मेरा फ्रेंड है तो आईटी से पीएचडी कर रहा, तो एक सेज जर्नल में पेपर भेजा तो इस बात पे सिर्फ रिजेक्ट पेपर हो गया कि उसके हैंगिंग इंडेंट नहीं था 0.5 इंच का जाके, तो ये कमेंट वहाँ से लग के आ गया। कुछ रेफरेंसिंग टूल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, आप उन रेफरेंसेस टूल का प्रयोग करके, रेफरेंसेस टूल को आप यूज कर सकते हैं, और जैसे कॉनेटा है, साइट यू लाइक है, साइटेशन मशीन है, आप www.citationmachine.net पे जाएंगे और किताब आप केवल या वहाँ पे पूछा जाता है, आप या तो ISBN नंबर बुक का या आप DOI नंबर या टाइटल डालेंगे तो बहुत सारे उसी टाइटल से रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाएंगे और आप जो हो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक वो पूछेगा कि ये रेफरेंसेस आपको किस स्टाइल में चाहिए, APA में चाहिए या MLA में चाहिए, शिकागो में चाहिए, हार्वर्ड में चाहिए, वो उसी स्टाइल में आ जाएगा। मेंटले बहुत फेमस है, रेफरेंसिंग टूल्स हैं ये, बहुत सारे जो रेफरेंसिंग टूल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, कॉनेटा हो गया, साइट यू लाइक हो गया, साइटेशन मशीन है, जोटेरो है, मेंटली है। और इनका फीचर्स क्या है, ये तो एक तो वेब बेस्ड हैं और ऑनलाइन डेटा बेस को ये इंपोर्ट कर लेते हैं, जो नेट पे बहुत सारी बुक्स हैं, पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर हैं जो ओपन एक्सेस जर्नल्स के हैं, उनको और उनको इंपोर्ट कर लेता है और एक प्रॉपर फॉर्मेट में जिस पे आप चाहते हैं उस पे आपको रेफरेंस दे देता है, आप उसको फिर MS वर्ड फाइल पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एक ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ ज़्यादा रेफरेंस भी लिखना, हर चीज़ में रेफरेंस लिखना वो भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए किन किन जगह पे जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो कहाँ कहाँ रेफरेंस यूज़ ना करें। राइटिंग योर ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल ए रिपोर्ट ऑफ फील्ड ट्रिप, अगर आप अपना अपना खुद का ऑब्जर्वेशन कहीं लिख रहे हैं और आप अपना कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट लिख रहे हैं तो, या आप फील्ड ट्रिप पे गए हैं उसकी रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वहाँ पे रेफरेंसेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप अपने खुद के अनुभव लिख रहे हैं कहीं, कोई आपने रिफ्लेक्टिव पेपर लिखा, डेटाबेस पेपर लिखा और वहाँ आप अपना खुद का ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे भी रेफरेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और राइटिंग योर ओन थॉट्स कमेंट्स और कंक्लूजन रिसर्च, जब हम रिसर्च में कंक्लूजन लिखते हैं, अपना थॉट्स लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं तो वहाँ पे भी रेफरेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एवेल्यूटिंग और ऑफरिंग और ऑन एनालिसिस, वहाँ पे भी नहीं, और कॉमन नॉलेज कोई है जो और है जिसको सब लोग जानते हैं तो वहाँ पर भी रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रेफरेंस वहाँ दे सकते हैं कि कोई हमें हाइपोथीसिस टेस्ट की और हाइपोथीसिस वो एक्सेप्ट हो गई या रिजेक्ट हो गई तो उसके फेवर में आप कोई स्टडी हुई हो उस स्टडी को आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको रेफरेंस में दे सकते हैं। कोई आपने आइडिया वहीं से बोर किया है, कोई आपने थॉट कहीं से लिया तो वहाँ पे रेफरेंस हम लोग दे सकते हैं। यूजली जनरली एक्सेप्टेड फैक्ट और इन्फॉर्मेशन है जो एक्सेप्टेड है पहले से ही सब लोग जानते हैं तो वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। ये था कि, और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक थीसिस और रिसर्च पेपर में इम्पोर्टेंस रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी का वही इम्पोर्टेंस है जो एक आपका डेटा एनालिसिस का है या आप जो डिस्कशंस लिखते हैं, इतने महत्वपूर्ण सेक्शन है ये कि जब पेपर रिव्यू बोर्ड में जाता है, आप कहीं रिसर्च अच्छी जगह भेजते हैं तो सबसे पहले वो आपके रेफरेंसेस देखते हैं कि आपने रिसर्च पेपर के दौरान किन किन ऑथेंटिक और क्रेडिबल सोर्सेज का इस्तेमाल किया है, किस टाइप के आपके जर्नल्स आपने रीड किए हैं, किस टाइप की बुक्स आपने रीड की है, आप क्रिएटिविटी पे रिसर्च कर रहे हैं और टॉरेंस किया है, आपने बुक नहीं पढ़ी तो कॉन्सेप्ट जहाँ कॉन्सेप्ट ही वहीं से आया तो आपने वो बुक नहीं पढ़ी तो फिर आपने क्या रिसर्च की होगी। तो एक
रेफरेंसेस हमें जब लिखते हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से लिखे हुए हैं और एक स्टाइल हो, या तो आप APA में लिखिए या MLA में। APA इज़ द बेस्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया, एजुकेशन साइकोलॉजी ज्योग्राफी में। तो ये ध्यान में ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी हम थीसिस लिखें या रिसर्च कर रहे हैं अपनी PhD में, तो रेफरेंसेस के को ध्यान दे के लिखना चाहिए, और ताकि जो आपकी जो रिसर्च की ऑथेंटिसिटी है, क्रेडिबिलिटी है, वो बढ़ जाए, क्वालिटी बढ़ जाए जाके। ठीक, थैंक यू सो मच इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए।